मुगल हैं, अदनान मुस्तफ़ा हैं, मुबीन शेख हैं, आप सबको वेलकम करता हूँ। खुश आमदीद, शारजा से आप ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। मरी वेदर कह रहे हैं, मरे एडमिन के पिंडी इस्लामाबाद, डिफरेंस इन दुबई एंड शारजा, वो भी अभी दूर हैं, बस सी के वही समझ लें, यहाँ पे इन रियासतों का पता नहीं चलता। शारजा, अजमान, दुबई, ये तीन रियासतें इतना जुड़ी हुई हैं कि इनकी सड़कों में से इंटर हो जाएं पता ही नहीं चलता कि कहाँ पहुँच गए हैं। ये बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं जी। मौसम भी यहां पर आजकल जबरदस्त है, आउटसाइड टेम्परेचर इस वक्त 19 है जी, खुद इमेजिन करें 19। एक खूबसूरत मस्जिद दिखाता हूँ यहाँ पे भी, ये देखिए व्यू नहीं बन रहा जी। शारजा की सड़कें बहुत तंग हैं जी, ये देखें, आपको आइडिया हो गया कि दुबई में तो हम दनदनाते फिरते रहते हैं और हमारे जो स्पीड होती है उसके ऊपर बस पांव रखा होता है। यहाँ पे ये देखें, ये ट्रैफिक और बड़ी कंजक्टेड रोड हैं, बहुत बहुत जैद जैद वेलकम टू शारजा कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। खान वलीद कह रहे हैं जी, हुसैन साहब कब आएंगे दुबई? हुसैन साहब को दुबई से इश्क है, जब तक वो मक्का और मदीना नहीं देखेंगे वो दुबई नहीं आ सकते। ये मैं भी लिख के दूं, आज मेरी भी पेशगोई है, मौसम की पेशगोईयां तो मैं करता हूं, ये पेशगोई भी आज कर रहा हूं हुसैन साहब के लिए कि जब तक वो मक्का मदीने के लिए अपनी जिंदगी का पहला सफर नहीं चुनेंगे
उस वक्त तक ना दुबई देखेंगे ना शारजा देख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको सीधा उधर ही बुलाना है कि जिंदगी का पहला हवाई सफर हो और इतनी नेक जगह के ऊपर जाएं, उसके बाद फिर उनके रास्ते खुलेंगे दुनिया में। तो ये हमारी मौसमी पेशगोई के अलावा हुसैन साहब के लिए हमारी पेशगोई है जी। हुसैन साहब कब उमरे के ऊपर जा रहे हैं आप? अशफाक अब्बासी ये भी ठीक है, यू आर राइट, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। क्योंकि मौसम की पेशगोई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 99% सही होती हैं। बिलाल अकरम वालेकुम अस्सलाम, काजी जमील वालेकुम अस्सलाम, निसार हाय कह रहे हैं, जहजट कह रहे हैं जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई पहले तो आपने वेलकम कह दिया, हमने आपको जवाब भी दे दिया, बहुत शुक्रिया जी। और शारजा से लाइव हूँ, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो ये सड़कें शारजा से देख रहे हैं आज।
ये ब्रिज बॉर्डर है जी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है सबको वेलकम करता हूं जी। अगर आप शारजा देखना चाहती हैं तो इस लाइव के एंड होने के बाद दोबारा से देखिएगा इस लाइव स्ट्रीमिंग को। मौसम के मुतालिक आपको अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। अगला स्पेल 11 मार्च को आएगा और स्लाइट चांसेस हैं हैवी स्नोफॉल के, लाइट स्नोफॉल हो सकती है जी, क्योंकि टेम्परेचर आजकल बड़े डाउन है और आहिस्ता आहिस्ता बारिश के चांसेस ज्यादा बढ़ते जाएंगे अब और बर्फ के चांसेस कम होते जाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये हम कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट स्नोफॉल हो सकती है 11 मार्च को। ज्यादा चाहता हूँ जी आप सबसे इंशाल्लाह ताला फिर गपशप करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फिर ये मान लिया। अल्लाह हाफिज़।